दोस्तों आज से करीब 100 सालों पहले यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कई राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयों ने इसे एक अलग देश बनने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन सन 1990 तक सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो यूक्रेन एक अलग राष्ट्र बन गया। दोस्तों भले ही यूक्रेन की आज स्थिति खराब हो, लेकिन एक समय था जब यहाँ अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते थे, क्योंकि पढ़ाई के लिहाज से यूक्रेन काफी सस्ता था। आज की वीडियो में हम आपके लिए यूक्रेन देश के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के शुरुआत से ही कुछ खास अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। 2021 और 22 के दौरान यूक्रेन की सीमा पर एक रूसी सैन्य निर्माण ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया और उनके बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। खैर दोस्तों इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई में न उलझते हुए बात करते हैं यूक्रेन देश के बारे में। दोस्तों रशिया के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पूरी दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या 4,40,00,000 है। ये देश एक सिंपल सा देश है जहाँ के लोग भी सिंपल ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, आप चाहे कितना भी सिंपल रह लीजिए, आपकी खूबसूरती किसी से छुप नहीं सकते। ये बात यूक्रेन की लड़कियों पर भी पूरी तरह से लागू होती है। जी हाँ, यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होते हैं। खूबसूरती के साथ ही यहाँ की लड़कियों को काफी बोल्ड भी माना जाता है। यही अंदाज यहाँ की लड़कियों को बाकी देशों की लड़कियों से अलग बनाता है। वैसे बहादुरी में भी यहाँ की लड़कियाँ कुछ कम नहीं होती हैं। हाल ही में रशिया से वॉर के दौरान अपने यूक्रेन की कई खूबसूरत लड़कियों को रशिया के खिलाफ हथियार उठाते देखा होगा। उन्हीं में से एक थी एनास्ताजिया लेना, जो एक्स मिस यूक्रेन है। हाल ही में ये सोशल मीडिया पर रशिया के खिलाफ बंदूक लिए वायरल हुए थे। इसके अलावा भी वॉर के दौरान यूक्रेन की कई खूबसूरत लड़कियों ने हथियार उठा लिया था। दोस्तों ये चीज दिखाती है कि यूक्रेन की लड़कियां खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बहादुर भी हैं। दोस्तों रशिया के साथ वॉर में जो यूक्रेन के साथ हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। उससे अपनी वापस पहले जैसी खूबसूरती को पाने के लिए यूक्रेन को कई सालों का समय लग जाएगा। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन के पास एक भी परमाणु बम नहीं है। दरअसल दोस्तों साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। इसके साथ ही यूक्रेन ने भी सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी थी। लेकिन हजारों की संख्या में परमाणु हथियारों का भंडार यूक्रेन के पास ही था। यूक्रेन के पास करीब 1800 से 2000 परमाणु बम थे। रूस और उसके समर्थक देशों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चले थे। इस कारण उन्हें पश्चिमी देशों से कारोबारी रिश्ते और सहयोग की जरूरत पड़ी। यहीं से यूक्रेन के परमाणु हथियारों को त्यागने की शुरुआत हुई और देखते ही देखते उसके सारे परमाणु बम खत्म होते चले गए। लेकिन दोस्तों एक समय था जब ये रशिया और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला देश था। दोस्तों अब अगर इस देश में रहने वाले लोगों के धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों ये देश पढ़ने के मामले में भी बाकी देशों से कई गुना आगे है। यहाँ की साक्षरता दर 99.8% है, जिसकी वजह से यूक्रेन इस लिस्ट में दुनिया में चौथे नंबर पर है। यहाँ के लोग सच में पढ़ने और पढ़ाने दोनों में काफी आगे होते हैं, तभी तो दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। वैसे तो यहाँ सारी तरह की पढ़ाई काफी कम खर्चे में हो जाती है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई, जिसको भारत में करने में लगभग 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आ जाता है, वो पढ़ाई यहाँ सिर्फ 2.5 लाख में ही हो जाती है। तभी तो भारत समेत कई देशों के हजारों स्टूडेंट्स मेडिकल कोर्सेज को करने यहाँ आते हैं। दोस्तों अब अगर यूक्रेन के कमाई के साधनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा कमाई का साधन खेती है। यहाँ काफी बड़े पैमाने पर खेती होती है। यहाँ जवान से लेकर बुजुर्ग तक ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं। इसी वजह से खेती के मामले में यह देश तीसरे नंबर पर आता है। यूक्रेन कई देशों को अनाज, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट करता है। अनाज में यह सबसे ज्यादा मात्रा में वीट एक्सपोर्ट करता है। पूरे यूरोप में यह इकलौता ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वीट एक्सपोर्ट करता है। तभी तो यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से यूक्रेन के हालात खराब हैं, तभी इन दिनों इंटरनेशनल मार्केट में इन चीजों के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी राजधानी कीव की। वैसे तो इस देश की तरह इसकी राजधानी भी काफी खूबसूरत है, जो पूरे यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। इसे आप सांस्कृतिक तौर पर देखें या एजुकेशनल पर्पस से या फिर ऐतिहासिक तौर पर, यह हर तरह से न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बता दें कीव में मुख्य रूप से स्टील, कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम और परिवहन जैसे उत्पादों को बनाया जाता है, जिनको वो दुनिया के अलग अलग देशों में भेजता है। दोस्तों यूक्रेन 4 देशों से अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसके उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया, पूर्व में रशिया और दक्षिण में हंगरी, रोमेनिया, मोल्दोवा, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से रशिया एक ऐसा देश है जिससे यूक्रेन अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों यूक्रेन में कार्पेथियन माउंटेन्स का सबसे ज्यादा हिस्सा है। इस बर्फीले पहाड़ में जंगली भालू, भेड़िए और लिंक्सेस काफी ज्यादा पाए जाते हैं। यूक्रेन का सबसे ऊंचा पहाड़ होवर्ला माउंटेन है।
दोस्तों रशिया के साथ वॉर से पहले यूक्रेन अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस था। यहाँ पर्यटक जिपलाइन राइड, वेकबोर्डिंग, स्काई डाइविंग, हॉट बलून राइड्स और स्कूबा डाइविंग करते थे। सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म से ही यूक्रेन हर साल करोड़ों रुपए कमाता था। दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए उसकी एनर्जी नीड्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के ज्यादातर देशों में एनर्जी नीड्स को सप्लाई करता था रशिया। लेकिन जब से इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से रशिया ने यूक्रेन को किसी भी प्रकार की मदद देने से मना कर दिया है। दोस्तों यूक्रेन में आपको हर 100 मीटर की दूरी पर कैफेज मिल जाएंगे। इसकी राजधानी कीव में आपको दुनिया के सबसे ज्यादा कैफेज देखने को मिलेंगे, तभी तो इसे कैपिटल ऑफ कैफेज भी कहा जाता है। दोस्तों यूक्रेन के लोगों को काफी फ्रेंडली माना जाता है। यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं, तभी तो इधर के लोगों को काफी इमोशनल भी माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में, जो रशिया के साथ वॉर के दौरान इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे, और उससे भी ज्यादा आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले एक एक्टर कम कॉमेडियन थे, जिनके यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने की कहानी भी कॉमेडी से भरी हुई है। दोस्तों ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को क्रिवी रिह में हुआ था। इनके माता पिता यहूदी थे। बचपन में ही इनका परिवार मंगोलिया चला गया था, जिसके बाद उनकी शुरुआती शिक्षा मंगोलिया में हुई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रशियन और यूक्रेनियन दोनों लैंग्वेजेस पे अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखी। बड़े होने के बाद वो वापस अपने देश यूक्रेन पहुंचे, और 1995 में उन्होंने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की ने अपना करियर कॉमेडी क्षेत्र में बनाना पसंद किया। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो थिएटर को लेकर काफी आकर्षित थे। 1997 में परफॉर्मेंस ग्रुप कवर्तल 95 केबीएन 9 के फाइनल में नजर आए। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने अपने कॉमेडी टीवी शो कवर्तल 95 के नाम पर एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो बनाना शुरू किया। तब इस शो को कॉन्ट्रोवर्शियल बिलियनियर बिजनेसमैन इहोर कोलोमोइस्की ने फाइनेंस किया था। कई बड़े जानकार ये दावा करते हैं कि ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने तक का सारा खर्च भी इहोर कोलोमोइस्की ने ही उठाया था। अब वक्त आया साल 2014 का, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को विद्रोह करके हटा दिया गया। उनको दो विकल्प दिए गए। पहला, उनसे कहा गया या तो आप अपने राष्ट्रपति के पद को छोड़ दो, दूसरा या फिर आप यूं ही अपनी मौत का तमाशा देखो। उन्होंने पहले विकल्प को चुना, और कैबिनेट की एक बैठक में उन्होंने हंसी खुशी अपने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों आपको बता दें, ये एक रूसी समर्थक राष्ट्रपति थे। इनके राष्ट्रपति के पद से हटते ही रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण करते ही क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। उसी दौरान रशिया ने यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद करना शुरू किया। अब रियल लाइफ में राष्ट्रपति का किरदार निभाने वाले ज़ेलेंस्की का रियल लाइफ में राष्ट्रपति बनने का समय था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव से पहले 2015 में ज़ेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के एक टीवी सीरियल में काम किया था। उसकी कहानी ये थी कि एक टीचर किस्मत से राष्ट्रपति बन जाता है, जिसके बाद वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान देता है, देश के दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाता है, और ये सब करता है सीरियल का मुख्य किरदार, जो होते हैं ज़ेलेंस्की, जो इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इस सीरियल को देखकर यूक्रेन के लोग, जो खासकर राजनीति से निराश थे, उनमें एक नई उम्मीद पैदा हो गई। अब वक्त था साल 2019 का, जब ज़ेलेंस्की ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा। इस चुनाव में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी। चुनाव के दौरान उन्होंने अपने देश के किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने पेशे से ही लोगों से वोट मांगे। वो सोशल मीडिया पर कॉमेडी के जरिए ही लोगों से वोट मांगते नजर आए, जिसका उन्हें काफी फायदा हुआ, क्योंकि इस चुनाव में उनकी 70% से ज्यादा वोटों से जीत हुई। लेकिन दोस्तों ये जीत अब उनके लिए कांटों भरा ताज साबित हो रही है, क्योंकि वो राष्ट्रपति तो बन गए, और इसमें इनका साथ नेटो और अमेरिका ने भी दिया। इनकी बदौलत ही उन्होंने रशिया के खिलाफ बयानबाजी की। लेकिन जब रशिया की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी, तो न तो अमेरिका और न ही नेटो ने किसी प्रकार से उनका साथ दिया। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो और अमेरिका ने उन्हें निराश किया है, और वो उन्हें युद्ध में अकेले छोड़ गए हैं। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।